Let us see some practical question. Actually, we did have few items of balance sheets, like non-current assets, current assets, current liabilities, non-current liabilities, cash, receivable, inventories, and etc. These are the balance sheet items. Not all total balance sheet, but few of them. Then we have income statement also in income statement again we have sales and all credit sales no cash cost of goods sold gross profit operating expense and profit now the ratios we need to calculate number 1 the current ratio so let us see what are our current assets and current liabilities we have to refer to the balance sheet current assets are 3 million and current liability is 1 million so simply आप डिवाइड करेंगे करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से तो आपकी रेशो आ जाएगी देन यू हैव क्विक रेशो क्विक रेशो में आपने इन्वेंट्री माइनस करनी है करंट एसेट्स से और देखिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री पाँच लाख की माइनस करें तो जो बैलेंस बचेगा आपका वो आपकी क्विक uh, एसेट्स होंगे और उसको डिवाइड करें आप करंट लाइबिलिटी विच इज़ द सेम अगेन तो ये सेम रह जाएगी ये देखें कि कैश और रिसीवेबल और उसको डिवाइड करें आप वन पॉइंट तो वन पॉइंट फाइव और उधर टू रिटर्न ऑन इक्विटी में नेट प्रॉफ़िट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी तो नेट प्रॉफ़िट इनकम स्टेटमेंट से लें और बैलेंस शीट से आप इक्विटी लें ये नेट प्रॉफिट फाइव हंड्रेड थाउजेंड और इसको डिवाइड करें इक्विटी जो बैलेंस शीट में आपके पास है विच इज ऑन द अदर हैंड इक्विटी टू हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड दैट इज सेवन हंड्रेड थाउजेंड सो आप डिवाइड करके आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालें ये देखिए नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल टो शेयर होल्डर्स इक्विटी तो शेयर होल्डर तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड ये रेशोज सिंपली क्या है कि आप इन्वेंटरी को भी डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड से और मल्टीप्लाई कर दें 365 से या पहले आप इन्वेंटरी रेट निकालें और फिर 365 को डिवाइड कर दें इन्वेंटरी रेट से तो दैट विल गिव यू दी फिगर 36.5 डेज इसका मतलब क्या होगा कि आप छत्तीस दिनों में अपनी जो मटेरियल ला रहे हैं या जो गुड्स ला रहे हैं उनको बेच रहे हैं छत्तीस दिन में नेक्स्ट है कलेक्शन पीरियड अगेन स्टेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि अकाउंट सीबल को डिवाइड करें नेट क्रेडिट सेल से और मल्टीप्लाई कर दें 365 डेज से तो so ये 750 डिवाइड बाय 300,000 तो ये आपका 91 डेज इट्स अ वेरी हाई फिगर डिपेंड करता है कि आपने क्रेडिट पॉलिसी अलाउ कितनी की हुई है अगर तो वो है लेट्स से सिक्सटी डेज तो यू आर टेकिंग थर्टी डेज एक्स्ट्रा विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन सिंपल है जो आपका प्रॉफिट है फाइव हंड्रेड थाउजेंड उसको डिवाइड कर दें आप सेल्स से तो देट कम्स टू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इट्स रीजनेबल क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉफिट रेट आपका चल रहा है ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट रेट तो आप सोलह सतारह परसेंट तो ऑन तो कर रहे हैं सो दैट इज स्टिल रिकमेंडेड डेट इक्विटी रेशो में नॉन करंट लाइबिलिटीज को इक्विटी से डिवाइड कर दें तो आपका टोटल बनता है सिक्सटी परसेंट विच इज़ रीज़नेबल अगेन तो ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है सिक्सटी परसेंट तक अलाव है इससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है अच्छा ये अर्निंग पर शेयर ये हमने पहले भी कर चुके हैं सिंपल है प्रॉफिट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से तो आपकी फिगर आ जाएगी टू पॉइंट फाइव पर शेयर थैंक यू वेरी मच